कल विश्व योगा दिवस के अवसर पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से पूरे प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन का महाअभियान प्रारंभ हो रहा है और इसी कड़ी में बड़वानी जिले में 66 केंद्रों पर वैक्सीनेशन काम होगा, जिसमें 18 साल से ऊपर के जितने भी उम्र के लोग हैं वो जो निर्धारित 66 केंद्र हैं उनके उन पर पहुंच करके वो कभी भी अपना वैक्सीनेशन करा सकते हैं। उसमें ऑनलाइन पंजीयन की पहले आवश्यकता नहीं है और ऑन द स्पॉट उनको पंजीयन की सुविधा उपलब्ध है। आज इसी कड़ी में हम लोग पिछले 2-3 दिन से तैयारी कर रहे थे। हमने सभी जो हमारे विभिन्न धर्म समुदाय के लोग विभिन्न प्रबुद्धजन उनसे बात किया हुआ है और हमारी पूरी जो टीम इसमें लगी हुई है उसको निर्वाचन मोड में, जिस तरह से चुनाव में हम लोग एक केंद्र प्रभारी बनाते हैं, हमने केंद्र प्रभारी बनाया हुआ है। इसके अलावा हमारे चुनाव की तरह से जो जोनाधिकारी बनाए हमने जोनाधिकारी बनाए हुए हैं। हमारे पूरी रेवेन्यू की टीम, हमारी पूरी जिला पंचायत की, स्वास्थ्य की, महिला बाल विकास की टीम और शिक्षा विभाग के हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं सबको तैनात किया हुआ है। उसकी पूरी तैयारियाँ युद्ध स्तर पर चल रही हैं और 2 दिन से घर घर जा करके हमारा जो नीचे ग्राम स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट समिति है, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा, ANM सभी घर घर जाके सर्वे भी कर रही हैं और सर्वे के बाद में घर में एक सूची तैयार हो रही है कि एक घर में कितने लोग हैं और उसमें से 18 साल के ऊपर के जितने भी लोग हैं उनमें से कितनों का टीकाकरण हो गया है और कितने शेष हैं, घर के मुखिया का नाम और नंबर ये पूरा उनके पास रिकॉर्ड है। और उनको ये निमंत्रण भी दिया जा रहा है सभी को कि आप लोग जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया है वो निर्धारित केंद्र पर वैक्सीनेशन के लिए आमंत्रित हैं। इसके लिए हमारे ज़िले में जो सारे सामाजिक, राजनीतिक, सभी जो धर्मगुरुओं के लोग भी हैं और अन्य लोग भी हैं सभी को भी हमने अपील किया हुआ है और हमारे माननीय मंत्री जी, हमारे सांसद जी और अन्य जनप्रतिनिधिगण सभी को आमंत्रित किया गया है। सभी लोगों से आग्रह भी है कि सभी वैक्सीनेशन सेंटर पर आएँ और कल हम इसका उत्सव के रूप में शुभारम्भ करेंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है कि अब भविष्य में कोरोना से बचने के लिए, जैसे कि उम्मीद है, जो लोग जिस तरह से आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि ऐसी आशंका है कि तीसरी वेव आएगी, तो उससे बचने का एक ही उपाय है वैक्सीनेशन। इसलिए मेरी अपील है सभी लोगों से कि भविष्य में यदि कभी ऐसा कोई खतरा आता है तो उससे बचने के लिए हम स्वयं वैक्सीनेशन कराएँ और जो लोग 18 साल से ऊपर के जो युवा वर्ग जो उत्साह दिखा रहे हैं, मेरा उनसे भी अपील है, आग्रह है कि वो एक अपने साथ में एक 45 साल से ऊपर के व्यक्ति को भी वैक्सीनेशन के लिए केंद्र पर लाएं, क्योंकि इसमें 45 साल से ऊपर के लोग अभी उस मान से वैक्सीनेशन उनका नहीं हुआ जितना उनका होना चाहिए। तो एक पहला अवसर है हमको ज़िले में कि हमको एक साथ में इतनी वैक्सीन मिल रही है। हमारा जो 21 जून से 30 जून तक हमारे 7 सत्रों में लगभग 75,000 हमको डोज मिले हुए हैं और ये बहुत बड़ी संख्या मिले हुए हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जैसा कि हमको बताया हुआ है कि माह जुलाई में हमको और अधिक वैक्सीन मिलेगी। तो मेरी बार बार सभी लोगों से यही अपील है कि ये मौका है, अभी हम स्वयं सुरक्षित रखें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। अभी जैसा कि पूरे ज़िले में लगभग 17 लाख की पॉपुलेशन है, उसमें से 18 साल से जो ऊपर के जो लोग हैं उनकी संख्या लगभग 10 लाख है और अभी तक 1,60,000 लोगों को डोज लग चुके हैं और अभी अगले 7 दिन में हमारा लगभग 75,000 डोज और लग जाएंगे। इस तरह से हमारा करीब 2.25 लाख से अधिक डोज लग जाएंगे हमारा। इसके बाद में हमारे कम से कम 7.5 लाख के आसपास में और लोग बचेंगे और जैसे जैसे वैक्सीन आएगी उम्मीद है कि माह जुलाई और अगस्त में अधिक वैक्सीन मिलेगी तो हम लोग अधिक से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन करा पाएंगे। MP की नब्ज, MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज TV के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज TV। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।